करेंगे भिंड के अचेर से। हर साल लाखों रुपए फूक कर नगर परिषद सिर्फ साफ पानी देने के लिए यहाँ पे पैसे खर्च कर देती है, बावजूद इसके लोग गंदा पानी पीने के लिए आज भी मजबूर हैं। फूक में नगर परिषद ने स्वच्छ पानी देने के लिए 3 प्लम्बरों को रखा है जो नगर में जर्जर पाइपलाइनों को ठीक रखें ताकि घरों में साफ पानी पहुंचे। इसके पाइपलाइनों को सुधारने के एवज में नगर परिषद हर साल 7 लाख रुपए भी खर्च करती है, लेकिन इसके बाद भी नलों से गंदा पानी ही आ रहा है और लोग इसे पीने के लिए यूं ही मजबूर हैं। हैरानी की बात तो यह है कि गंदे पानी की समस्या को लेकर ना तो फूक के नगर परिषद CMO ध्यान दे रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि को इस बात से कोई मतलब है कि लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा गंदा पानी तो वार्ड 12 में आ रहा है। यहाँ के लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए आज भी मजबूर हैं। पीना तो छोड़ दीजिए, उससे नहाया तक नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी फूक में गंदे पानी की वजह से लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। डेंगू, हैजा, मलेरिया तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन नगर पालिका है कि वो सुनिए। नगर पालिका कोई पहल नहीं कर रही, चारों तरफ त्राई त्राई मची हुई है। वार्ड 11, 12, 13 में आप देखो 24 घंटे नलों से गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो लाइन जोड़ने का जिनको दायित्व दिया गया है, वो नेताओं के घर पर काम कर रहे हैं। मैं चिल्ला के परेशान हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है इस नगर पालिका में। जितने भी वाटर बॉर्न डिजीज होती है, जैसे कि हैजा है, दस्त उल्टी है, पेट में दर्द है, पेट में कीड़ों की शिकायत है, पीलिया है, टाइफॉइड है, और भी बहुत सारी बीमारियां जो कि गंदा पानी पीने से होती है। अपने अस्पताल में सर गंदा पानी के मरीज कितने संख्या बढ़े हुए हैं? कुछ बढ़ोतरी हुई है विशेष। अरविंद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या दिक्कत आ रही है जो एक स्वच्छ और साफ पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है? मैं आपको बता दूं, एक तो दीपावली का त्योहार है, ऐसे में एक तो घरों में साफ सफाई चलती है और विशेष तौर पर गंदगी के लिए बात रखने के लिए मनाई जाती है, लेकिन इधर लोग अपनी गंदगी तो बाहर कर रहे हैं, उधर एक दूसरी गंदगी जो नलों द्वारा आ रही है वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, इससे कई लोग परेशानी के सामने बीमार भी हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं जनप्रतिनिधि, कब तक समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा? क्या कह रहे हैं जिम्मेदार? जिम्मेदारों से बात किया, जिम्मेदार अपने हाथ से पल्ला झाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लम्बर भी है जो लाखों रुपए खर्च कर रही है नगर परिषद, जो कि स्वच्छ पानी दिलाने के लिए वो घर पे बैठे बैठे अपने प्राइवेट काम करती है, जो प्राइवेट लोग हैं जो कनेक्शन उनको कनेक्शन देने के लिए कार्य करते हैं, नगर परिषद से कोई कार्य नहीं किया जाता, जिस वजह से हर जगह। आपको रुकना चाहूंगी, DK शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर हैं, फूप से जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। शर्मा जी आवाज मिल रही है? लगता है शर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अरविंद, अपनी बात पूरी कीजिए संक्षेप में। हेलो जी, तो ये जी शर्मा जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। शर्मा जी, ये जो दूषित पानी पीकर लोग जिस तरह से बीमार हो रहे हैं, कितने केसेस रेगुलर एक दिन में कितने केसेस आ रहे हैं आपके पास? 7 से 10 केस ऐसे आ रहे हैं जिनको पेट की शिकायत है या इनको दस्त की शिकायत है, और कुछ पीलिया के भी मरीज आए हैं। ये सब केवल दूषित पानी पीने से ही ये बीमारियां फैलती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं इनको। तो शर्मा जी, ये तो एक मतलब गंभीर विषय हो गया, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर भी बन जाता है, अलर्ट पे भी मतलब आपको अलर्ट भी घोषित करना पड़ेगा, तो इसको लेके क्या आप लोगों ने नगर पालिका या जिम्मेदार लोगों को बताया? नगर पालिका को चिट्ठी लिखूंगा, तो उनको मालूम पड़ भी गया है नगर पालिका को, मुझे लगता है वो जल्दी उसमें कार्रवाई भी करेंगे। ठीक, और आप किस तरह से हिदायत दे रहे हैं लोगों को कि किस तरह से बचना चाहिए, अगर गंदा पानी आ रहा है तो उसको कैसे क्लीन किया जाए, इसको लेके आप क्या कुछ? मैंने लोगों को बताया क्लोरीनेशन करें, क्लोरीन की टेबलेट वितरित करा दे रहा हूँ, उसके अलावा लोग छान के या फिल्टर करके पानी पिए। ठीक, तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अरविंद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।